आपको बताना है कि जैसे इंटरनेट से मतलब एक्सेल की फाइल कहीं आप अपने कंप्यूटर पे सिस्टम में लाते हो और जब उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हो तो हम उसमें चेंज नहीं कर पाते हैं, यानी कुछ भी चेंज नहीं कर पाते हैं। वो कैसे करते हैं, या कोई फाइल आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होके आई है, इम्पोर्ट होके आई है और आप उसको चेंज करना चाहते हो, कुछ चेंज किया, लिखा, सेव किया, लेकिन वो नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सेव एज से चेंज करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक फाइल, एक एग्जांपल देते हैं आपको, अभी एक एग्जांपल देते हैं, हम गूगल पे जाके और एक एनएससी के वेबसाइट पे जाते हैं, मान लो एनएससी की, ठीक है, ये नेशनल एक्सचेंज का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक वेबसाइट है, यहाँ पर लिंक ओपन हुआ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर इक्विटीज पे जाते हैं, ठीक है, इक्विटीज पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक कर दिया, हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे आर्चीव ऑफ, ये हमने आर्चीव ऑफ डेली रिपोर्ट पे क्लिक कर दिया, कोई भी फाइल पे हम क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए हमने पिछले दिनों का जो है रिपोर्ट ले लिया, पिछले दिनों कभी कभी रिपोर्ट ले लिया और ये हमने फाइल को ये अभी देखिए यहाँ पे फाइल ओपन हो गई, यहाँ पे डाउनलोड हो गई, हो गई ना। अभी इस फाइल को हम ओपन करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, अब ये फाइल जो आपकी आई है वो CSV फॉर्मेट में है, किसमें है, CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्मेट में है। चूंकि अब देखिए ये फाइल खोली, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें इस फाइल पे खोली और मान लो इसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए, देखिए ये हमने चेंजेस कर दिए, ये कर दिया, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे मान लो ये कुछ चेंजेस कर दिया, या मान लो हम इसमें कुछ और बढ़ाते हैं, मान लो हमने यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, और ये देखिए हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इस कॉलम पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे बढ़ाया और घटाया, ठीक है, आपने यहाँ पे फाइल पे जब सेव करने गए, क्या किया, सेव करने गए, तो क्या कह रहा है, ये ऐसे बताता है, रीड ओनली सेव ए कॉपी, आपकी फाइल सेव नहीं हो रही, ऐसे बोल रहा ना, इस तरीके का आंसर आता है वहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, CSV इज रीड ओनली फाइल टू सेव ए कॉपी टू क्लिक ओके देन गिव द वर्कबुक न्यू नेम एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, ये इसमें आप सेव नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सेव पे जाते हो, ये देखिए सेव पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेव एज टाइप लिखा हुआ है, कहाँ पे देखिए, ये वाला सेव एज टाइप आप देखते हो तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कॉमा डेलिमिट्स में दिख रहा है, तो ये फाइल इसमें सेव नहीं करेगी, समझ गए ना, ये सब फाइल इसमें सेव नहीं करेगी। तो आप क्या करते हो, इसका नाम चेंज करते हो, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हमने मान लो यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है, ये गुंजन में हमने सेव कर दिया, सेव देखिए कह रहा है गुंजन डॉट CSV मे कंटेन फीचर दैट आर नॉट कंफर्टेबल विद CSV कॉमा डेलिमेंट्स, यानी यह फाइल जो हमने जो कुछ किया हुआ है इस फॉर्मेट के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें सेव नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा, देखिए गुंजन नाम तो आ गया, देखिए ओके, ये आपका गुंजन नाम तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, आ गया, लेकिन वो फाइल सेव नहीं हुई है, वो फाइल उस फॉर्मेट में सेव नहीं हुई है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप करोगे फिर से अपने ऑफिस बटन पे जाओगे, ये वाले, ठीक है, ऑफिस बटन पे जाओगे, सेव एज क्लिक करोगे, और सेव एज क्लिक करने के बाद हमने डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे सेव एज टाइप को हटाकर हमने एक्सेल वर्कबुक कर दिया, क्या किया, एक्सेल वर्कबुक कर दिया, जैसे ही एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करके सेव करेंगे तब जाकर ये फाइल सेव होगी, समझ गए। तो ये देखिए ये आपके यहाँ पे आप मिनिमाइज करके देखते हैं यहाँ पे, तब जाकर यहाँ पे आपकी एडिट, जो भी एडिट किए हुए, जो भी चेंजेस किए हैं, तब जाकर सेव होगी।